खाद्य मंत्री ने 10 महीने की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा, कहा राशन कार्ड नवीनीकरण के साथ ही कुपोषण से मुक्ति पर जोर। रायपुर में हुआ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, कुमार विश्वास सहित देश के जाने माने कवियों ने अलग अलग रसों में काव्य पाठ कर लोगों को किया मंत्रमुग्ध। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज दुर्ग में निकाली गई जन जागरूकता रैली, मितानिनों और विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। और जांजगीर चांपा के मजदूर की श्रीनगर में आतंकी हमले में मौत, मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बने 58 लाख राशन कार्ड में 2 लाख से अधिक राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, वहीं वर्तमान सरकार नए राशन कार्ड बांटने का काम तेजी से कर रही है। श्री भगत ने रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि पुराने राशन कार्ड धारकों की जांच कर उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी राशन कार्ड बनने पर कलेक्टरों को दोषी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पीडीएस के तहत एपीएल परिवारों के लिए 8,18,000 राशन कार्ड बनाने के आवेदन मिले थे, जिनमें से 5,38,000 राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक राशन कार्डों में से मृत सदस्यों का नाम नवीनीकरण के दौरान हटाया गया है। खाद्य मंत्री ने कहा कि नई सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पिछली सरकार के 2,770 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री भगत ने बताया कि राज्य सरकार ने कुपोषण प्रभावित इलाकों में चावल, चना और नमक के अलावा गुड़ भी वितरित करने का निर्णय लिया है। लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और केवल चावल ही नहीं बल्कि हम अपने राज्य में चना और नमक के साथ साथ आगामी जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कि उन अधिसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में और माडा क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य का परीक्षण में प्रतिकूल रिपोर्ट आया है, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और खून की जो कमी आई है, उन क्षेत्रों में गुड़ वितरण करने का भी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए तैयारियां लगभग हो चुकी है। खाद्य मंत्री ने कांग्रेस सरकार के 10 महीने के कार्यकाल के दौरान अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जांजगीर में लोगों को खाद्य संबंधी चीजों को लेकर जागरूक करने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सही भोजन बेहतर जीवन के सूत्र वाक्य के साथ लोगों को भोजन संबंधी स्वस्थ आदतों की जानकारी दी गई। विभाग के अधिकारी प्रीतम ओगरे ने बताया कि विभाग भोजन की बर्बादी को रोकने मुहिम चला रहा है और यही संदेश इस कार्यक्रम में दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6 रंगों के माध्यम से संतुलित भोजन के बारे में जानकारी दी गई है। खाद्य दिवस के माध्यम से कि हेल्दी थाली लोगों को मिलना चाहिए, एक पौष्टिक थाली जिसमें एक इट राइट इंडिया लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट लोगों को संदेश देना चाह रहा है कि आपके थाली में जो है एक हेल्दी फूड जो है होना चाहिए। इसमें 6 कलर हैं, 6 कलर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस 6 कलर जो है आपके फूड में, आपके थाली में होना चाहिए। कार्यक्रम में लोगों को संतुलित भोजन के अलावा नशे से मुक्ति का संदेश भी दिया गया। वहीं प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को बांस की टोकरी में खाद्य सामग्री वितरित की गई। रायपुर में कल देर रात राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वीर रस के कवियों ने जहां ओज का संचार किया, वहीं हास्य रस के कवियों ने लोगों को गुदगुदाया। 9 रसों से सजे इस कवि सम्मेलन ने श्रोताओं को बांधे रखा।
कवि सम्मेलन में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। राज्यपाल ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि कवि समाज के लिए दर्पण का काम करते हैं। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने ओजस्वी कवि कुमार विश्वास, हास्यरस के कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, मीर अली मीर, विनीत चौहान, रमेश मुस्कान, अंकिता सिंह, किशोर तिवारी और पद्मलोचन शर्मा ने अपनी रचनाएं सुनाई। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। इन पंक्तियों पर कुमार विश्वास ने खूब वाहवाही बटोरी। वहीं लू के कहर पर हास्यरस की कविता ने भी लोगों को खुलकर हंसाया। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज दुर्ग में जन जागरूकता रैली निकाली गई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई इस रैली में नर्सिंग की छात्राओं, मितानिनों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली को दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर और जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला विशेष रूप से मौजूद थे। रैली के दौरान बैनर पोस्टरों के जरिए भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक अरुण वोरा ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर ही कुष्ठ मुक्त भारत का निर्माण संभव है। ये पहल है कि पूरे प्रदेश से कुष्ठ रोग मिटाना है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं है, और वह उनके बीच में बैठकर सेवा करते थे। छुआछूत की भावना को उन्होंने समाप्त किया। ऐसा नहीं कि वो है की दृष्टि से कभी उन्होंने नहीं देखा। उनका कहना था कि इसका इलाज है अगर हम इनके बीच में जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे चिकित्सकों को जो हमारे जिले में अभी लगभग 417 लोगों को उसमें जांच में सामने लाया गया, लेकिन उनका इलाज भी चल रहा है, तो हमारा जिला कुष्ठ मुक्त हो जाएगा ऐसा हम मानकर चलते। वहीं डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि कुष्ठ संक्रामक रोग नहीं है, इसे जागरूकता से ही खत्म किया जा सकता है। जी के 185 वर्षगांठ में गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि कुष्ठ एक छुआछूत का बीमारी नहीं है, ये एक उपचारित बीमारी है जिसको साध्य किया जा सकता है। इसी संदेश को लेकर कि आज ये रैली हमारे जिला अस्पताल से निकाली जा रही है। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि जिले में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। धमतरी में आयोजित वायुसेना भर्ती रैली में राज्य के 208 युवाओं का चयन किया गया। इस भर्ती रैली में प्रदेश के 5,418 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। धमतरी के कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि भर्ती रैली के दौरान दो चरणों में परीक्षा आयोजित की गई। पहले चरण में 13 जिलों के 3,049 युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 122 चयनित हुए। वहीं दूसरे चरण में 14 जिलों के 2,369 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 86 का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में चयन का प्रतिशत ऐतिहासिक और सकारात्मक है। चयनित युवाओं में सबसे अधिक 50 अभ्यर्थी दुर्ग जिले के हैं। गांधी विचार पदयात्रा के समापन अवसर पर आज कोरबा में जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में 2 अक्टूबर से गांधी जी के विचारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश सरकार के निर्देश पर हर जिले और विकासखंड में गांधी विचार पदयात्रा निकाली जा रही है। कोरबा जिले में इस यात्रा के समापन अवसर पर कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन शामिल हुआ। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने मोबाइल लाइब्रेरी का उपयोग करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया। गांधी विचार पदयात्रा का आयोजन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, सभी क्षेत्रों में किया गया है। गांधी जी के विचारों से सभी को अवगत कराने के लिए गांधी विचार यात्रा के अंतर्गत जो है गाड़ियां भी और प्रचार वाहन भी भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही इसके लिए एक मिनी लाइब्रेरी भी बना करके एक मोबाइल लाइब्रेरी भी आज जो है शहर में भ्रमण कराई जा रही है। विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस पर आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि गांधी विचार पदयात्रा का आयोजन जिले में सफल रहा। कांकेर के भानुप्रतापपुर विकासखंड के संबलपुर गांव में नो प्लास्टिक अभियान के तहत प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और उसके विकल्पों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ग्रीन कमांडो और ग्राम पंचायत के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नए अभियान लेकर लोगों के बीच आता हूं। इस बीच 30 फीट थैला लंबा, 5 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा, इस थैले का उपयोग लोगों को बताना है कि हम प्लास्टिक पॉलीथीन को इग्नोर करें और कपड़े के थैले का उपयोग करें। आज धरती माँ पूरा बंजर होते जा रही है, खेत खलिहान तक आप जहाँ भी देखिए पॉलीथीन प्लास्टिक। तो हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना है। उप सरपंच तिलक देवांगन ने कहा कि स्कूली बच्चे अपने माता पिता को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए समझाएं। आज पर्यावरण को भी नुकसान दे रहे हैं और वातावरण में भी प्रदूषित हो रहा है, इससे अच्छा हम एक संदेश दे रहे हैं बच्चे लोग के द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा कि हम बाजार हाट भी जाएं तो थैला लेके जाए और वहाँ बाजार में अगर पॉलीथीन में अगर कुछ सब्जी भी दे रहे हैं तो हम थैला में ले और उनको भी बताएं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। स्कूली बच्चों ने भी कहा कि वे भी पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को झिल्ली का थैला उपयोग करते देखना है तो उसे बताना है कि कपड़ा का थैला उपयोग करना है। दुकानों में भी बताना है कि कपड़ा का थैला उपयोग करना है। अगर बाजार जाए तो कपड़ा का थैला पकड़ कर जाए। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करते हुए सरपंच अनीता रावटे ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त देश के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। कार्यक्रम के दौरान 25 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े कपड़े के थैले का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के मजदूर की श्रीनगर के काकापुरा में आतंकी हमले में मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। जिला श्रम अधिकारी के सिंह ने बताया कि मजदूर सोठीराम सागर जांजगीर से काकापुरा ईट भट्टे में काम करने गया था। सोठीराम के साथ ही गांव के 40 मजदूर भी वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को वापस लाकर आर्थिक मदद दी जाएगी। कल शाम को 4 या 5 बजे के बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जांच के लिए गए थे और उन्होंने बताया कि आप जो कन्हैया है मृतक के पिता को जानकारी दिए कि आपके बच्चे की मृत्यु टेररिस्ट अटैक में गोली लगने से हो गई है। आज सुबह मेरे द्वारा 6 बजे जांच कराई गई। सुबह इंस्पेक्टर गया, जाके जाँच किया, ये पता चला कि हमारे मंसूला गाँव से और जयजयपुर क्षेत्र से लगभग 40 श्रमिक ईटा भट्टा में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अतिरिक्त श्रम विभाग भी पीड़ित परिवार को 1,05,000 रूपए की मदद देगा। राजनांदगांव जिले में शिक्षक 22 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कलेक्टर कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि जबरिया तबादला किया जा रहा है, अटैचमेंट को रद्द कर दिया गया है। है कि अगर कोई शिक्षक अतिशेष है तो उसको समीपस्थ ब्लॉक में या फिर उसी संकुल में 8 किलोमीटर के दायरे में रखना है, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि शिक्षकों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिन शिक्षकों को जिन स्कूलों में पदस्थ किया जा रहा है वहाँ शिक्षकों की कमी बताकर वहाँ पर 2 महीने पहले उसी स्कूल से शिक्षकों को दूसरे जगह भेजा गया। शिक्षकीय दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अपने जो अधिकार हैं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं जिनको यहाँ पर विपत्ति आई है, जिनका नियम विरुद्ध जबरिया ट्रांसफर किया गया है या अतिशेष बताकर दूसरे ब्लॉकों में भेजा गया है, उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। और जब तक इस प्रकार का प्रशासन के द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया जाता रहेगा और उसको वापस नहीं लेंगे तब तक हम अपने यहाँ पर आंदोलन पर डटे रहेंगे। शिक्षकों की 22 मांगों में तबादलों में गड़बड़ी की जांच के अलावा प्रमुख मांगों में समयमान वेतन और एरियर्स की मांग भी है।
46वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में शामिल होने रायपुर आए बाल वैज्ञानिकों के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने किया। प्रश्नोत्तरी में 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की टीमें शामिल थीं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों के अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी टीमों के अलावा दर्शकों से भी प्रश्न पूछा गया, इसके लिए उन्हें आकर्षक इनाम भी दिया गया। प्रश्नोत्तरी के आखिर में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। पहला पुरस्कार नई दिल्ली की टीम को प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर नोएडा की टीम और तीसरे स्थान पर गोवा की टीम रही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।